नमस्कार, मैं हूं शुभम मिश्रा और आप देख रहे हैं देश का पहला समझाने वाला बुलेटिन। खबर तो समझिए, अगले आधे घंटे में हम खबर तो दिखाएंगे ही और खबरों की पेचीदगी को भी समझाएंगे कि मोदी 3.0 की सरकार में किसान प्राथमिकता में क्यों हैं, और ये भी बताएंगे कि बिहार का गौरव कैसे लौटा है। तो देखिए, मोदी 3.0 की सरकार कैसे किसानों के लिए काम कर रही है, इस पर चर्चा होगी। बिहार का कैसे गौरव वापस लौट रहा है, इस पर भी चर्चा करेंगे। तीसरी खबर है, बिहार में क्राइम कंट्रोल के यूपी मॉडल पर भी हमारी चर्चा होगी, नजर होगी। और देखिए, नीट पर सियासी संग्राम अब भी जारी है। तो ये खबर ऐसी है जिस पर आज हमारी खबर नजर बनी रहेगी। वोट नहीं तो काम नहीं वाले बयान पर भी सियासत कैसे लगातार की जा रही है, इस खबर के भी मायने आपको समझाएंगे। और केंद्र की मोदी सरकार ने किसानों को बहुत बड़ा तोहफा दे दिया है। केंद्रीय कैबिनेट की दूसरी बैठक में आज 5 बहुत बड़े फैसले लिए गए। सभी फैसले किसानों से ही जुड़े हैं। धान और कपास समेत 14 फसलों पर एमएसपी को मंजूरी देते हुए किसानों की एमएसपी वाली डिमांड को भी पूरा कर दिया गया है। और लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटने के बाद मोदी की प्राथमिकता किसान ही है। कैबिनेट की पहली बैठक में ही किसान सम्मान निधि की किस्त पर मुहर लगाई गई थी और दूसरी कैबिनेट की बैठक में भी किसान ही पीएम के एजेंडे में नजर आए। क्लियर हुई है, वो है धान। सबसे पहले धान का नया एमएसपी, पैडी का नया एमएसपी खरीफ के लिए 2300 रुपीज डिक्लेयर किया गया है, विच इज 117 रुपीज इंक्रीमेंट ओवर द प्रीवियस एमएसपी। इसी तरह से कॉटन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप है, इसका एमएसपी 7121 और एक दूसरी वैरायटी है उसमें 7521 रुपीज डिक्लेयर किया है। ज्वार 3371 रुपीज, रागी 4290 रुपीज, बाजरा 2625 रुपीज और मक्का मेज 2225 रुपीज। मूंग की एमएसपी डिसाइड हुई है 8682 रुपीज। तूर की एमएसपी है 7550, ये पिछले एमएसपी से 550 रुपए ज्यादा है। उड़द की हुई है 7400 रुपीज, जो कि पिछले एमएसपी से 450 रुपए ज्यादा। बढ़ा दी गई है, जिसको लेकर किसानों की तरफ से पहले से ही चर्चा की जा रही थी। और केंद्र की मोदी सरकार ने किसानों को बहुत बड़ा तोहफा दे दिया है। केंद्रीय कैबिनेट की दूसरी बैठक में आज 5 बहुत अहम फैसले लिए गए और सभी फैसले किसानों से जुड़े हुए हैं। धान और कपास समेत 14 फसलों पर एमएसपी को मंजूरी देते हुए किसानों की एमएसपी वाली डिमांड को भी पूरा कर लिया गया। लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटने के बाद मोदी की प्राथमिकता किसान ही रहे हैं। कैबिनेट की पहली बैठक में ही किसान सम्मान निधि की किस्त पर मुहर लगाई गई थी और दूसरी कैबिनेट की बैठक में भी किसान ही पीएम के एजेंडे में नजर आए। तो कुल मिलाकर 5 बड़े फैसले जो आज लिए गए हैं, वो आपने सुना कि 14 फसलों पर एमएसपी को मंजूरी मिली, कपास की एमएसपी 501 रुपए बढ़ा दी गई, धान की एमएसपी 2300 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ी है और कपास की एमएसपी 501 रुपए बढ़ाई गई है। दो तरह के कपासों को अलग अलग किया गया और उसकी भी चर्चा की गई है। तो कैसे बिहार में पूरी चर्चा की गई नालंदा विश्वविद्यालय को लेकर, उस पर भी हमारी नजर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने बिहार के प्राचीन गौरव को राज्य के साथ ही देश की पहचान भी बता दिया। कार्यक्रम में पीएम के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर और बिहार के राज्यपाल, मुख्यमंत्री के साथ ही दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। कभी दुनिया के पहले रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी रहे नालंदा विश्वविद्यालय, अब नए क्लेवर में एक बार फिर पूरी दुनिया में छाने को बेताब है। नालंदा का अर्थ है न अलम ददाति इति नालंदा, अर्थात जहां शिक्षा का, ज्ञान के दान का अविरल प्रवाह हो।
लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी 10 दिन के भीतर पहली बार बिहार दौरे पर आए। नालंदा की धरती से प्रदेश के गौरव को जनता को समर्पित भी किया। पीएम मोदी ने नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का उद्घाटन किया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने करीब 1600 साल पुराने नालंदा खंडहर को बारीकी से देखा भी। अपने संबोधन में पीएम ने कहा कि नालंदा नाम ही नहीं, हमारी पहचान है। बिहार अपने गौरव को वापस लाने के लिए जिस तरह विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है, नालंदा का ये कैंपस उसी की एक प्रेरणा है। नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस के उद्घाटन के मौके पर सीएम नीतीश कुमार ने मंच से कहा कि यूपीए की सरकार ने बिहार की इस विरासत को आगे बढ़ाने में लटकाया, जबकि एनडीए की सरकार ने नालंदा यूनिवर्सिटी के काम को काफी आगे बढ़ाया। इस नए नालंदा विश्वविद्यालय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाना था, इसके लिए हमने केंद्र सरकार से अनुरोध किया। उस समय के केंद्र सरकार था, उसको भी हम लोगों ने अनुरोध किया, इन्होंने कह दिया था, तो वो तो कुछ जल्दी सुन नहीं रहे थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पर पधारे हुए, इनकी सरकार बन गई थी और उसके बाद सही मायने में और काम। ये भी समझिए कि कैसे लौट रहा बिहार का गौरव। नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस का उद्घाटन हुआ, बिहार का प्राचीन गौरव लौटा है, ये प्रधानमंत्री ने कहा। प्राचीन मगध की शिक्षा का केंद्र पुनर्जीवित हुआ और विश्वविद्यालय को संसद से विशेष अधिनियम के जरिए बनवाया गया। 2007 में विश्वविद्यालय के लिए सलाहकार समूह बनाया गया था। 1 सितंबर 2014 से अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में क्लास शुरू की गई। तब 15 छात्र वहां थे और 11 टीचर्स अपॉइंट किए गए। आज 400 से ज्यादा छात्र वहां पढ़ाई कर रहे हैं। देश ही नहीं बल्कि विदेशों के छात्र यहां पर पढ़ाई करते हैं। शिक्षा के केंद्र की गरिमा एक बार फिर से वापस लौट रही है। बढ़ते आगे, बिहार को अपराध मुक्त बनाने के लिए बीजेपी योगी मॉडल को धरातल पर उतारने के संकेत दे रही है। मतलब अपराधियों का फैसला ऑन द स्पॉट। पहले डिप्टी सीएम और अब सीएम नीतीश कुमार के मंत्री भी खुले मंच से अपराधियों को धमका रहे हैं, उन्हें सुधर जाने की नसीहत दे रहे हैं। लेकिन आरजेडी को योगी मॉडल पर एतराज है। आरजेडी की ओर से मंत्री दिलीप जायसवाल का खुलकर विरोध किया जा रहा है। सीएम नीतीश के मंत्री के बयान पर छिड़े सियासी घमासान पर हमारी ये रिपोर्ट देखिए। सीधे गोली मारे के आदेश सरकार का दिया। पूर्णिया की रूपौली में उपचुनाव है और उससे पहले बिहार के राजनीतिक गलियारों में भूचाल है। ये सियासी भूचाल सीएम नीतीश कुमार के भूमि व राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल के उस बयान पर मचा है, जिसमें उन्होंने प्रदेश के अपराधियों को न सिर्फ चेताया बल्कि अपराध के आकाओं को गोली मारने तक की धमकी दे डाली। मौका था भवानीपुर में एनडीए की जनसभा का, जहां रूपौली उपचुनाव में एनडीए के पक्ष में माहौल बना रहे थे मंत्री दिलीप जायसवाल, और इसी दौरान योगी स्टाइल में अपराध का इलाज करने का दम भी भर डाला। प्रत्येक जिला में एसआईटी का गठन होगा, अलग से पुलिस बल का गठन प्रत्येक जिला में हो रहा है, और अवैध रूप से जो राइफल गोली लेकर चले छे बदमाश सब अपराधी सब सीधे गोली मारे के आदेश सरकार का दे रहा है। कोई अपराधी अब नहीं बचेगा कहीं पर, जो गोली बंदूक लेके चलता है उस अपराधी को तमाम कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। ये फैसला अभी बिहार सरकार ने कैबिनेट में लिया है। इधर मंत्री दिलीप जायसवाल ने अपराधियों को हड़काया और उधर बिहार की सियासत सुलग उठी। आरजेडी ने मंत्री दिलीप जायसवाल के बयान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जबकि जेडीयू प्रदेश में सुशासन कहकर मामले से पलड़ा झाड़ती नजर आई। वहीं बीजेपी खुलकर मंत्री दिलीप जायसवाल के समर्थन में उतर आई है। आज बिहार में कानून का राज अगर हमने बनाया है तो कानून का इंजेक्शन अपराधी और लंपटों को दिया। ये दल विशेष के जो गुंडे हैं, जो बिहार में आग लगा रहे हैं, हिंसा फैला रहे हैं,
इन पर भी कार्रवाई होगी और इनके दबाव में जो निचले स्तर या ऊपर के स्तर के अधिकारी काम कर रहे हैं उन पर तो और बड़ी कार्रवाई होगी, सरकार ने तैयारी कर ली है। दे ऐठने पे गोली चला देने की बात करते हैं, ये आतंकी भाषण किसको सुना रहे हैं आप? क्राइम कीजिए कंट्रोल, सत्ता में है डबल इंजन की सरकार है, एक्सीडेंट कंट्रोल कीजिए, लूट कंट्रोल कीजिए, देह चमकाने वाले तो आपके आजू बाजू में है। आरोप प्रत्यारोप और डैमेज कंट्रोल की कोशिशों के बीच पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने मंत्री दिलीप जायसवाल के बयान का समर्थन कर दिया। पप्पू यादव ने कहा कि निश्चित रूप से कानून के तहत अपराधियों का खात्मा होना चाहिए और मेरा आग्रह है दिलीप बाबू पहले राजस्व विभाग से दलाली मुक्त कर दीजिए, मेरे भाई हैं, और भ्रष्टाचार मुक्त कर दीजिए, एक विभाग को सुधार लीजिए दिलीप बाबू, गोली मारने और ना मारने की तो बात जरूर नहीं है। ये कोई पहला मौका नहीं है जब बीजेपी की ओर से बिहार में योगी मॉडल लागू करने के संकेत दिए गए हो। इससे पहले 16 जून को बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने भी अपराधियों को धमकाया था, सुधर जाने की नसीहत दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और समझिए कि क्राइम कंट्रोल के लिए योगी मॉडल की बात आखिर क्यों आ गई। बिहार को अपराध मुक्त बनाने पर सियासत लगातार जारी है, बीजेपी योगी मॉडल के संकेत दे रही है, अपराधियों का फैसला ऑन द स्पॉट करने की बात कर रही है और डिप्टी सीएम के बाद मंत्री का बयान भी सामने आ गया है, सुधर जाएं नहीं तो गोली खाएं। दिलीप जायसवाल का ये बयान भी आपने सुना। नीतीश के मंत्री की धमकी पर अब सियासत बेहद तेज है, आरजेडी के बयान का विरोध किया है और पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने बयान का समर्थन कर दिया है और बयानबाजी के बीच बिहार में क्राइम लगातार बढ़ रहा है। केवल बोलने से नहीं काम करने पर भी फोकस होना चाहिए क्योंकि जिस तरीके से अपराध का ग्राफ बिहार में बढ़ता जा रहा है ऐसे में क्राइम कंट्रोल करना बहुत ज्यादा अनिवार्य हो गया है, चाहे रास्ता कोई भी अपनाया क्यों ना जाए। बढ़ते आगे, सीतामढ़ी से सांसद है देवेश चंद्र ठाकुर, जिन्होंने साफ कह दिया कि वो मुस्लिम और यादवों के लिए काम नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि मुस्लिम और यादव उन्हें वोट नहीं देते। अब इस बयान ने बिहार में सियासी तापमान बढ़ा दिया है। आरजेडी खुलकर सांसद देवेश चंद्र ठाकुर के विरोध में उतर आई जबकि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह उनका समर्थन कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। मिठाई खाइए, काम के बारे में मत बोलिए, मैं आपका काम नहीं करूंगा। बिहार में अब जो देगा वोट उसी के काम को सांसद जी करेंगे सपोर्ट, ये हम नहीं कह रहे। जरा सुनिए सीतामढ़ी के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर को। उनको लगता है कि मुस्लिम और यादव उन्हें वोट नहीं करते तो सांसद जी उनका काम नहीं करेंगे। मेरे यहाँ हर एक मेरे मित्र यादव मित्र का स्वागत है, जो मित्र नहीं है पहले बार भी आना चाहते हैं उनका स्वागत है, यादवों का और मुसलमानों का। आइए चाय पीजिए, मिठाई खाइए, काम के बारे में मत बोलिए, मैं आपका काम नहीं करूंगा। इधर सांसद जी ने मुस्लिम और यादव विरोधी बयान दिया, उधर आरजेडी ने सांसद देवेश ठाकुर को निशाने पर ले लिया। आरजेडी के पूर्व सांसद डॉक्टर अर्जुन राय ने तो देवेश ठाकुर की मानसिकता पर ही सवाल उठा दिए। करने को तैयार नहीं है, इनके खिलाफ न्यायालय में मामला जाएगा कि इनकी सदस्यता रद्द की जाए और इनके खिलाफ लोकसभा के स्पीकर बनने के बाद उनके पास मामला जाएगा कि ऐसे व्यक्ति जो संविधान के प्रतिकूल मनु के संविधान के मुताबिक बोल रहा हो, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को जो नहीं मानता हो, ऐसे लोग की सदस्यता समाप्त करिए, ये सांसद के अर्हता को पूरा करने योग्य व्यक्ति नहीं। इधर सांसद देवेश चंद्र ठाकुर के बयान पर सियासत गरमाई तो उधर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बचाव में उतर आए। गिरिराज सिंह ने सांसद देवेश ठाकुर के बयान को उनके दिल की पीड़ा बताया, कहने लगे कि सांसद जी ने सबके लिए काम किया, कम वोट आने से उनका दिल टूट गया है। अगर मुसलमानों ने ये तय कर लिया कि हम नहीं वोट देंगे, ये एक सोची समझी रणनीति है जो सनातन को कमजोर करने का, भारत में गजवाए हिंद लाने का एक प्रयास है। देवेश चंद्र ठाकुर ने दिल की बात। मामला दिल की पीड़ा का है या वोटों के ध्रुवीकरण का,
जो भी हो, लेकिन सांसद देवेश ठाकुर के बयान ने आरजेडी को सियासत करने का भरपूर मौका दे दिया है, जिसका भरपूर इस्तेमाल आरजेडी रूपौली उपचुनाव में वोटों को भुनाने में करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और वोट नहीं तो काम नहीं पर सियासत समझिए, जेडीयू सांसद के बयान के बाद सियासत काफी गर्म है। यादव मुसलमान के लिए काम नहीं करने की बात कही गई थी और वोट नहीं मिलने पर काम नहीं करने की बात कही गई। इस बयान ने बिहार में सियासी तापमान को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। आरजेडी जेडीयू सांसद के बयान का विरोध कर रही है, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह इसका समर्थन कर रहे हैं। वोट देने पर काम किए जाने पर अब सियासत लगातार जारी है। देवेश चंद्र ठाकुर पहली बार सांसद बने, 51,000 से ज्यादा वोटों से उन्होंने जीत दर्ज कर ली है। यादव मुसलमानों ने उन्हें वोट नहीं दिया, ये कहना है ठाकुर का। सांसद के बयान पर सियासत बेशुमार जारी है। बहरहाल सवाल तो यही है कि एक संवैधानिक पद पर रहते हुए क्या इस तरह का बयान देना शोभा देता है। बढ़ते आगे, नीट पेपर लीक कांड की जांच लगातार जारी है। पटना पुलिस की ओयू की टीम ने कुछ कैंडिडेट से आज भी पूछताछ की, जिसे एनटीए की तरफ से दी गई जानकारी के आधार पर बुलाया गया था। पुलिस अपना काम लगातार कर रही है, पर इस बीच बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के बयान पर सियासत गर्मा गई है। विजय सिन्हा ने प्रश्न पत्र लीक कांड के आरोपियों के तार तेजस्वी यादव से जुड़ने की बात कह दी है, जिस पर सियासत गर्म है। नीट पेपर लीक मामले की जांच काफी तेजी से चल रही है। पटना में ईओयू की तरफ से नोटिस मिलने के बाद कैंडिडेट से पूछताछ की गई। इस केस में ईओयू ने अभी तक 9 अभ्यर्थियों को नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया था। बुधवार को 2 अभ्यर्थियों से लगभग 2 घंटे तक पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान दोनों ने अपने बारे में पूरी जानकारी ईओयू को दी। कैंडिडेट से ईओयू की टीम ने जो सवाल पूछे उनमें, क्या आपके संबंधी प्रश्न पत्र लीक करने वाले गिरोह को जानते हैं? क्या आपने सॉल्वर गैंग से संपर्क किया था? जवाब में कैंडिडेट ने कहा, मामले से हमारा कोई संबंध नहीं है। जांच एजेंसी अब कैंडिडेट के रिकॉर्ड किए गए बयान की पड़ताल करेगी। केस की जारी जांच के बीच नेताओं के बयान ने नीट के मुद्दे को गर्मा दिया है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने ये कहकर सियासी पारा बढ़ा दिया है कि जिन लोगों को गेस्ट हाउस से पकड़ा गया वो आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के जान पहचान वाले हैं, आरोपी कोई भी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, मैं जानकारी प्राप्त कर रहा हूँ, NHI गेस्ट हाउस में जो लोग पकड़ाए हैं कोई यदुवंशी है, उसका लिंक उसका संबंधी प्रीतम से है। लोग बता रहे हैं कि वो पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से जुड़े हैं। एक समीक्षा करके जो लोग इसमें दोषी होंगे कार्रवाई भी होगी। छात्रों के भविष्य के साथ वैसे ही खिलवाड़ हो रहा है, उस पर से जांच के बीच नेताओं के जाति और पार्टी विशेष को लेकर जिस तरह से बयान दिए जा रहे हैं उसने राजनीतिक पारे को बेहद गर्मा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और हमारे इस विशेष बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज 18।